तेरो लहंगा लहंगा तेरो लहंगा तेरो लहंगा लहंगा तेरो लहंगा तेरो लहंगा के भलो छाजीरो तेरो लहंगा के भलो छाजीरो रंगीली पिछड़ी हाय ओ जरा आँख में लगा ले काजल नजरी लागली नजरी लागली नजरी लागली। ओहो दगड़ियों गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छी होंगे। तो दगड़ियों एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ तुम्हारे भाई ने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। और दगड़ियों अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और देखो धूप भी हल्की फुल्की आ चुकी है, लेकिन अभी ना अच्छे से पूरे इलाकों में धूप नहीं फैल रखी है। देखो ये 8:30 बज चुके हैं, धूप आ चुकी है लेकिन ऊपर ऊपर के इलाकों में, और थोड़ी बहुत धूप अभी हमारी छत में आ चुकी है लेकिन यहाँ से आप नीचे को देखोगे ना ही हमारे नीचे वाले छत में आ रही है, हल्की फुल्की आ रही है, लेकिन वहाँ पीछे खेतों में देखो वहाँ अभी तक छाँव ही है, तो धूप को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी ना ऊँची ऊँची जगहों पर तो आ गई है धूप, लेकिन अभी निचले इलाकों में अभी नहीं पहुँच रही है, तो थोड़ा टाइम अभी और लगेगा। 9 बजे तक पूरे अच्छे से हर जगह धूप फैल जाएगी। तो अभी यहाँ पीछे भी देख सकते हो आप, यहाँ भी धूप नहीं आ रही है, बस हमारे छत में हल्की फुल्की आ रही है क्योंकि ना सूरज यहाँ से देखो बस दिख गया सूरज यहीं से। चलो अच्छी बात है, अब थोड़ी देर यहाँ धूप सेकता हूँ मैं। चलो सेक लिया मैंने, तो अब मैं नीचे को जाता हूँ, ठीक है? नीचे दिखाता हूँ आपको क्या क्या हो रहा है करके। दगड़ियों हमने यहाँ नीचे वाली छत में बिछोड़ पैड भी सुखाने के लिए डाल रखा है, लेकिन अभी तक हमारी छत में धूप नहीं आ रखी है। और गुप्पा और के छत में देखो इतनी अच्छी सी धूप आ चुकी है, और वैशाली गुप्पा और कमु वहाँ बैठकर स्कूल का काम कर रहे हैं, और लेकिन अभी हमारी छत में ना धूप आने में थोड़ा टाइम लगता ही है, बहुत देर में आती है नीचे वाली छत में हमारी धूप। ये अम्मा 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 मामो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये अम्मा बर्तन धो के भी आ गई है, और माधुरी यहाँ हमारे तिमले के पात के मजे ले रही है। दगड़ियों ये देखिए तिमले के पात खा रही है। खाए हाँ खाए माजली खाए, आज मानने के लिए नहीं आ रही, क्या बात है, अच्छी है ये। आजकल हमारी छोटी सी क्यारी में देखिए दगड़ियों ये फूल खिल रखे हैं, तो अभी वाले फूल तो अच्छे से खिले नहीं है, लेकिन वाले फूल अच्छे से खिल चुके हैं। ये दोनों एक ही के पेड़ है, ये इनका फूलों का नाम है ग्लोरी, और इसका तो मेरे को पता नहीं है। बाकी जो नीचे आप वो देख रहे हो वो है गेंदे के फूल, जिसे हमारे कुमाऊं में हाजरी कहते हैं। ऐसे घर के सामने खिले फूल देख कितना अच्छा लगता है ना दगड़ियों, मूड फ्रेश हो जाते हैं ना देख। और नहीं जितने भी फूल के पेड़ है ना ये सारे मेरी मम्मी ने लगा रखे हैं। यहाँ क्यारी के यहाँ दगड़ियों आप एक अंगेठी भी देख रहे होंगे, तो ये अंगेठी है ना ये मेरे पापा ने अपनी टेक्निक से बना रखी है। जो आप देख रहे हो ना ये एक पहले बाल्टी थी, तो इसमें नीचे से छेद हो गया था, तो पापा ने पूरा नीचे से एक बड़ा सा छेद करके ये बाल्टी को काट के उल्टा रख रखा है ये, और इसमें ही अब हम पानी गर्म करते हैं। तो अब ना 2 लकड़ियाँ लगाओ और मात्र 2 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। तो अभी तो ये पानी गर्म हो रखा है, तो यहाँ आग अभी नहीं जला रखी, अब शाम को जलाएंगे। हले 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 परदेसी चचा ने फाड़ी दगड़ियों फाइनली आज लकड़ियाँ, ओ माय गॉड। और यहाँ देख सकते हो कितने टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं इन्होंने। यश क्या करो तुम्हें नहीं हो रमन सही करना पड़ने लागना हो तुम्हारी यो ओए मैं तो कहूँ मैं तुम तो ठहरे परदेसी लकड़िया क्या फाड़ पाओगे यो दिखना ना अब यो 10 चोट अरे मैं फोन को कब पूछा क्या अब और मिलिए हमारी ताई जी से। रगड़ियो ताई जी वही चाहू वही ताई जी अम्मा और भूमि यहाँ धूप सेकने के लिए आ रखे हैं। ताई जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 कहते हो बलिया हो बलिया बढ़िया बढ़िया हो बढ़िया बढ़िया हूँ अच्छा पैर मेरा अच्छा हो गया अच्छा हो गया ना चलो अच्छी बात है रेस्ट करो ना अपना ख्याल रखो ऐसी हंसाते रहो हंसते रहो ठीक है। धूप भी ला गए दगड़ियों अपनी बैल नितिन भाई जाएगा अब ग्वाला यो नितिन भाई अब जाने लग गया है ग्वाला टाटा सर टाटा बाय बाय।
आओ जी आओ जी आओ जी ओए ओए आओ जी आओ जी हो गया खाना पीना खाना पीना हो गया। अच्छा चलो ठीक भाई नाश्ता पाने का टाइम है ओए ओए आज दिन टाइम छो एक बजे से घाम तापेंगे बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है यो आमो तुमने जान भाई की चपा खाई आओ अच्छा ओ जान भाई जान भाई ओ मैं ओए भैंसा खाल ओए चलो ठीक छो ठीक छो ओए पानी बाल्टी को चोप दियो यार गोपाल देखता वो बहुत जुन गया यो पानी बाल्टी को बैठे दियो पानी बाल्टी को बैठे दियो यार ओए ये मुनी हाल दियो बते ओए ओए मम्मी भी आ गई घास से दगड़ियो या स्माइल मम्मी की और वैशाली और कमू यहाँ क्या छिल रहे हैं पिनालू 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 छिल रहे हैं तो दगड़ियो मैं आ चुका हूँ अपने तलछारी वाले खेत में और पापा ने यहाँ हल्दी के पत्ते काट कर फेंक दिए नीचे वाले खेत में आज हमें खोदनी है हल्दी तो दगड़ियो मैं तो यहाँ डलिया लेकर आ रखा था तो मेरे को पहले ले जानी है घर को ये लाई फिर दोबारा से आना है जब पापा हल्दी खोद देंगे फिर वो हल्दी को भी ले आना है तो पहले तो मैं फिलहाल ये लाई को ले आता हूँ घर को। ये देखे दगड़ियो इतनी लाई हो रही है हमारे खेत में वहाँ तलछारी वाले पूरी डलिया भर कर ला रखा हूँ मैं। बड़े ही धूमधाम से दगड़ियो यहाँ दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए हमारी ताई जी को ये यहाँ इनकी पुताई चल रही है ये चूना लगाया जा रहा है इनका यहाँ दीवारों में किचन की दीवारों में। यो कोबेल थोड़ा थोड़ा थोड़ी मुँह में लगे थे हो या थोड़ी मुँह खापो दिखो ना तो कहो हो या थोड़ा मुँह में लगे थे जरा ताई जी यो थोड़ा लो मुँह ताड़ बैठ हाँ रोल लो ये कहो ते मुँह को चोप दिनों की है मैं हैं चाची काट रही है गडेरी की सब्जी और लाई वहाँ काट के रेडी कर रखी है। तो दगड़ियो देखिए आज इनके वहाँ भी गडेरी और लाई की टपकी बन रही है यहाँ दिन में ने झोले बढ़ा लो मैं अच्छा चलो ठीक भाई। आजकल दगड़ियो देख रहे हो आप आजकल ज़्यादातर ना मेरे ब्लॉग में लाई का ही जिक्र आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हमारे वहाँ लाई ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है और सभी लोग आजकल ना हाँ गडेरी बहुत हो रही है। देखिए इतनी गडेरी इन्होंने यहाँ सुखाने के लिए डाल रखी है ये और ये गदवे देखो ये अगले साल के बीच के लिए गदवे भी देख सकते हो आप ये तो मतलब ना ये गदवे लाई ये गडेरी जितना भी ये होता है ना पिनालू हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो लगड़ियो अभी बच चुके हैं दिन के तीन और खाना वाना खा लिया है दिन का और फिर से लग चुके हैं आज बादल लगड़ियो कल की तरह आज फिर बादल लग चुके हैं आसमान में। ये देखिए सूरज आज फिर से छुप चुका है बादलों के बीच और धूप पानी अब पट बंद हो चुकी है। ये देखिए अब धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हमारी दगड़ियों दो डलिया हल्दी हो रखी थी तो एक डलिया तो इसमें यहाँ ये फैला रखी है और एक डलिया यहाँ पापा नीचे धो रहे हैं अभी फिलहाल ये धो के ये हल्दी को यहाँ डेग में रख रहे हैं फिर इसको उबालने के लिए रखना पड़ता है दगड़ियों। तो दगड़ियों इस बार हमारी हल्दी देखो ये एक डेग फुल हो रखी है बड़े वाले पंचायत के डेग में तो और साल के अपेक्षा ना इस बार बहुत ही ज़्यादा हल्दी हो रखी है हमारी ये। और पापा ने देखो अभी अंगेठी में आग जला दी है तो ये आग को देखो कितनी भमक रखी है ये। मैं बोल रहा था ना सुबह मतलब दो मिनट में पानी गर्म हो जाता है तो ऐसी आग जलती है पानी गर्म करने टाइम भी। भाई लोग यहाँ आग सेक रहे हैं दगड़ियों ये देखिए भाई लोग और बहन लोग भाई लोग और बहन लोग सबके सब ये प्रियांशु भाई गोप्पा अंजू शिवम कमू सोलू भाई तो नहीं सेक रहा है लेकिन ये सब सेक रहे हैं मैं भी सेक रहा हूँ है किले अरे किले रिसाण जे के भोला कै फाड़ो ये सौ नोट अरे सौ नोट फाड़ दे दिले सौ नोट तिल फाड़ो है अरे ये फाड़ो सोलू ओ है सोलू येल फाड़ो फाड़ दे देने दिन बे आप प्रियांशु आप घरवान को कौन बोलो शिकायत प्रियांशु नॉट फाड़ देगा भैया भूमू
ले 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 बूम 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 अच्छा ताल भाई नाच करना माल भाई लाल बोतल शराबा तू छे बड़ी खराबा अब क्या करूँ रे नस मजी मिली पौवा मिली अब काम मिले सारे पौवा मिली ओए ताई जी ला गई पिनालू ओ बाप रे एक डाल पिनालू और लाई और बबली दीदी को देखो ले 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 किजियो इमले पिनाओ जान पिनाओ जने गडेर अच्छा गजब यो तो दगड़ियो आज भी बगला लिया अम्मा ने देखो यहाँ सगड़ में आग जला दिए और ठीटे भी रख रखे हैं इतने ठीटे और इकट्ठे करके रख रखे हैं जैसे जैसे आग फिर कम होती जाएगी लकड़ियाँ कोयले के रूप में बदल जाएगी फिर इसके ऊपर से और ठीटे रखेगी अम्मा ये फिर ताकि ज़्यादा ज़्यादा कोयले बने करके ना और हर रोज़ की तरह और वहाँ देखो कंटर में गर्म पानी रख दिया है शाम के लिए तो आग देखो अभी कितनी अच्छी वाली आग जल रखी है यहाँ देखो आग सेकने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है अभी ये तो दगड़ियों 7:30 बज चुका है और आप ये देखिए अभी तक हमने डेग में हल्दी को उबालने के लिए रख रखा है तो हमने ना 4 या 4:30 बजे इसको उबालने के लिए रख दिया था लेकिन अब 7:30 बज चुका है तो अभी तक ये उबलने में ही है तो हम इसे 10 बजे तक उबालने के लिए रखेंगे जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाता तब तक हम इसे उबालेंगे और जब ये उबल जाएगा तो फिर हम कल को इसको काटेंगे और फिर लगभग इसको 15-20 दिन तक हम धूप में सुखाने के लिए डालेंगे फिर कूटेंगे इसके बाद इसको। तो दगड़ियों मैं आ चुका कमरे में और आज के इस व्लॉग के माध्यम से भी आपको एक छोटा सा अपडेट और मिल गया होगा कि आजकल हमारे पहाड़ों में किस चीज़ की खेती हो रही है करके ज़्यादा तो मतलब जैसे गडेरी हो रही है खेतों में लाई हो रही है हल्दी हो रही है तो आज हमने हल्दी को तो खोद दिया और वहाँ डेग में हमने अभी फिलहाल रख रखा है 10 बजे तक हम उसको और उबालेंगे फिर कल को फिर आगे आगे को इसकी प्रोसेसिंग होती रहेगी फिर काटेंगे फिर सुखाएंगे तो हमारे यहाँ गडेरी भी बहुत हो रही है लाई भी हो रही है तो आज के इस ब्लॉग से भी थोड़ा बहुत आपको कुछ पता ही चल गया होगा फिर आजकल हमारे वहाँ पहाड़ों में क्या हो रहा है और बाकी बुध तो आपको दिखी जा रही है हर रोज़ मेरे ब्लॉग के माध्यम से क्या क्या हो रहा है हमारे गाँव वाले क्या कर रहे हैं करके ना तो अब मैं कमरे में भी आ चुका हूँ तो दगड़ियों आज के इस ब्लॉग को आप यही एंड करते हैं अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो यार भाई के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना बाकी तुम्हारा भाई हर कमेंट्स के रिप्लाई और हर कमेंट में दिल तो दे देता है और अगर आपको पहाड़ों से प्यार और लगाव है तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि तुम्हारा भाई पहाड़ों से रिलेटेड अपनी पर डे की एक्टिविटी और यहाँ का अपडेट आप लोगों को देता रहता है तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।